Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to tell you about the Olympics and India. Olympic में आज तक इंडिया क्या क्या अचीवमेंट किया है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा. पहले ओलंपिक है 1900 का ओलंपिक में इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था. ये हुआ था पेरिस में. फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और उसमें इंडिया ने जीता था 2 सिल्वर मेडल. वो स्पोर्ट्स पर्सन का नाम है नॉर्मन प्रिचर्ड. नॉर्मन प्रिचर्ड ये एंग्लो इंडियन है. दो सिल्वर मेडल मिला था उनको. और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1896 में मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था. ये हुआ था एथेंस में, ग्रीस में. यूरोप में आता है, कंट्री है ग्रीस और जगह का नाम है, सिटी है एथेंस. उसके बाद इंडिया का और एक अचीवमेंट है, 1928 से लेके 1956 तक कंटिन्यूस 6 गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने हॉकी में. इसमें 2 बार नहीं हुआ था ओलंपिक. एक है 1940 और 1944 वर्ल्ड वॉर टू के लिए ये नहीं हुआ था, ये दोनों ओलंपिक. और उस टाइम में हमारे मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी का जादूगर जिसको बोलते हैं, मैजिशियन ऑफ हॉकी. ये थे इंडिया के प्लेयर. कोई कोई एग्जाम में पूछ लेता है ध्यानचंद किस खेल के लिए फेमस हैं, ब्लैंक रहेगा उसमें हॉकी आंसर देना पड़ेगा. ध्यानचंद हॉकी के लिए फेमस है, ये बहुत फेमस. ये कि क्वेश्चन जो है ध्यानचंद बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट्स, तो इसका आंसर होगा हॉकी. और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा, इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में. उसमें 1928 से 56 तक 6 गोल्ड जीता, उसके बाद 64 में जीता, 1964 में. उसके बाद हॉकी में पहले क्या होता था, ग्रास फील्ड में हॉकी मैच होता था. उसके बाद सिंथेटिक ट्रैक आ गया. सिंथेटिक ट्रैक जब से आने लगा इंडिया का हॉकी नीचे जाने लगा. तो उसके बाद जाके 1980 मॉस्को ओलंपिक, ये रशिया का कैपिटल था उस टाइम में, यूएसएसआर था. यहाँ पर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में. इसमें कोल्ड वॉर का टाइम था, इसीलिए अमेरिका और उसका नाटो ये सब कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इसीलिए इंडिया ने इसमें गोल्ड मेडल ले आया. उसके बाद है ओलंपिक, यह है खसवा जादव. खसवा जादव इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट है. फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट हेलेंस की ओलंपिक, ये है फिनलैंड में. हेलेंस के ओलंपिक में ये किस खेल को बिलोंग करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, रेसलिंग.
खसवा यादव इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट है, इनको मिला था ब्रोंज, ब्रोंज मेडल मिला था रेसलिंग के लिए 1952 हेलेंस के ओलंपिक में। उसके बाद है लियांडर पेस, 1980 के बाद इंडिया का गोल्ड मेडल बंद हो गया, उसके बाद सेकंड इंडिविजुअल ये हैं लियांडर पेस, ये ओलंपिक था 1996 अटलांटा ओलंपिक अमेरिका में आता है। ये टेनिस प्लेयर हैं, नीचे जो फोटो में भी ये हैं टेनिस रैकेट और टेनिस बॉल ये खेलते हुए, टेनिस का सिंगल्स में ये जीते थे। इनको मिला था ब्रोंज मेडल, बिलोंग करते हैं टेनिस, अटलांटा ओलंपिक में लियांडर पेस। लियांडर पेस इनका नाम है। उसके बाद है सिडनी ओलंपिक, 2000 में ये हुआ था सिडनी ओलंपिक, ये है ऑस्ट्रेलिया में। इनको मिला था वेट लिफ्टिंग के लिए, इसमें एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट ये हैं कर्णम मालेश्वरी, कर्णम मालेश्वरी इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल, लियांडर पेस को भी ब्रॉन्ज मिला था, खसवा यादव को भी ब्रॉन्ज मिला था, इनको भी ब्रॉन्ज मिला। इनका ये है कर्णम मालेश्वरी फर्स्ट वुमेन है ओलंपिक मेडल जीतने वाले, 2000 का सिडनी ओलंपिक। उसके बाद है आरएस राठौर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, आरएस राठौर, ये ओलंपिक था 2004 का एथेंस ओलंपिक। एथेंस ओलंपिक ये ग्रीस में है यूरोप में, ये मैच था इंडिया का शाम को 5 बजे के आसपास, उस टाइम में मैं भी मैच देख रहा था, डबल ट्रैप शूटिंग, इवेंट है डबल ट्रैप शूटिंग। अभी राज्यवर्धन सिंह राठौर अभी मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में, IB मिनिस्ट्री, अभी मोदी जी के गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। इनको मिला था सिल्वर मेडल, फर्स्ट इंडियन जो है इंडिविजुअल सिल्वर मेडल मिला था, इनका गेम था इवेंट था डबल ट्रैप शूटिंग 2004 ओलंपिक्स एथेंस ओलंपिक में। नेक्स्ट ओलंपिक है 2008 बीजिंग, चाइना का कैपिटल है, बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम है, बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में ये हुआ था 2008 ये डेट से ये शुरू हुआ था ये गेम। ये पिस्तौल शूटिंग में इंडिया का जो फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला था इनको मिला था अभिनव बिंद्रा। गोल्ड मेडल ये जीते थे, इनके बाद एक गोल्ड मिला और दो ब्रॉन्ज भी मिला था इंडिया को, सुशील कुमार
और बिजेंद्र सिंह, ये दोनों को ब्रॉन्ज मिला था। यह है सुशील कुमार। इसमें और एक चीज ये है, इंडिया इससे पहले टोटल 8 गोल्ड जीता था हॉकी में, और अभिनव बिंद्रा का एक गोल्ड को मिला के इंडिया के टोटल गोल्ड मेडल आज तक हो गए 9 गोल्ड मेडल। ये भी क्वेश्चन में आता है, HAL का एग्जाम में आया था। इंडिया कितना गोल्ड मेडल जीता है आज तक, उसका आंसर है 9 गोल्ड मेडल। यह है सुशील कुमार, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको रेसलिंग में मिला था 66 kg। इसमें इनको मिला था ब्रॉन्ज मिला था 2008 का ओलंपिक में, और सिल्वर मिला था 2012 का लंदन ओलंपिक में। ये इंडिया का फर्स्ट ओलंपियन है जो 2 बार जीत चुके हैं ओलंपिक में मेडल, एक बार ब्रॉन्ज और एक बार सिल्वर, 2008 का बीजिंग ओलंपिक एंड 2012 का लंदन ओलंपिक, ये दोनों में जीते हैं। इनका स्पोर्ट्स है रेसलिंग। ये भी क्वेश्चन में आता है कि स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देगा और वो कौन सा स्पोर्ट्स के लिए बिलोंग करते हैं, इसका ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन, बैंकिंग में 5 ऑप्शन देता है, और IAS इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन में नॉर्मली 4 ऑप्शन रहता है, और वो ये 2008 ओलंपिक का बिजेंद्र सिंह। बॉक्सिंग के लिए इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल, बिजेंद्र सिंह है ये, बॉक्सिंग स्पोर्ट्स को ये करते हैं, इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल 2008 बीजिंग ओलंपिक चाइना। नेक्स्ट है 2012 का लंदन ओलंपिक, इंडिया को टोटल 6 मेडल मिला था, इसमें से 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। 2 सिल्वर मेडल जीतने वाले थे सुशील कुमार रेसलिंग के लिए, और विजय इनको मिला था शूटिंग के लिए, शूटिंग। और जो 4 ब्रॉन्ज मिला था इसमें साइना नेहवाल बैडमिंटन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये वर्ल्ड का नेशनल जूनियर वर्ल्ड का जूनियर चैंपियन भी बन चुके थे वोमेंस का सिंगल्स में, जूनियर में ये वर्ल्ड चैंपियन भी थे, और मेरी कॉम है बॉक्सिंग के लिए, इनके ऊपर एक मूवी भी आ चुका है, कौन सा स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है बॉक्सिंग, मेरी कॉम, ये दोनों को ब्रॉन्ज मिला था। और ये गगन नारंग शूटिंग, गगन नारंग, यह योगेश्वर दत्त, इनको मिला था रेसलिंग के लिए 60 kg कैटेगरी है इनका। यह गगन नारंग, इनको मिला था ब्रॉन्ज शूटिंग के लिए।
दोनों 2012 का लंदन ओलंपिक, टोटल मेडल मिला था 6, 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। कभी कभी ये मान दे देगा गगन नारंग बिलोंग्स टू हुई स्पोर्ट्स, तो उसका आंसर होगा शूटिंग। उसके बाद है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट ओलंपिक यही है, लास्ट जो ये हुआ था ये है रियो ओलंपिक, रियो डी जानेरियो, ब्राज़ील में है। इंडियन को 2 मेडल मिला था, 1 सिल्वर मेडल पीवी सिंधु को मिला था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है पीवी सिंधु, उनको सिल्वर मेडल मिला था वुमेन सिंगल बैडमिंटन। और पीवी सिंधु को जो हराया था उनका नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कारोलिना मारिन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। ऑल इंग्लैंड ये में साइना नेहवाल को फाइनल में कौन हराया था, वो भी था कारोलिना मारिन। वो बिलोंग करते हैं कौन सा कंट्री, स्पेन को बिलोंग करते हैं। कारोलिना मारिन को गोल्ड मिला, इनको पीवी सिंधु को सिल्वर मिला था। ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी 4 साल तक जितना भी एग्जाम आएंगे सारे के सारे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये हैं साक्षी मलिक, इनका स्पोर्ट्स है रेसलिंग, इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक था 2016 रियो ओलंपिक। इसके बाद ये ओलंपिक में और एक चीज इम्पोर्टेंट है, ये है दीपा कर्माकर, ये है फर्स्ट वुमेन जो क्वालिफाई किए थे जिम्नास्टिक के में, इनका स्पोर्ट्स है जिम्नास्टिक। ये क्वालिफाई किए थे ओलंपिक में, इनसे पहले कोई भी इंडियन लेडी ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। दीपा कर्माकर जो पहली बार क्वालिफाई किए और वो 4th पोजीशन तक गए थे, और थोड़ा इधर उधर होता तो उनको 3rd ब्रॉन्ज मिल जाता। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन जिमनास्ट जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए थे इंडियन, वो है दीपा कर्माकर। उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा 2020, ये भी क्वेश्चन में आता है, ये होगा टोक्यो जापान में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट।